पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विजय का परचम लहराने वाले सपा छात्र सभा के सदस्यों का लखनऊ में स्वागत करते हुए जीत की बधाई दी है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री ताजमहल जाएंगे तो उनकी फोटो मैं इंतजार करूंगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए सड़क बनाना राष्ट्रवाद नहीं है, लेकिन हमने देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया। अखिलेश ने गुजरात विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात में सपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर हमारा पूरा सहयोग कांग्रेस को रहेगा। वहीं अखिलेश के कार्यक्रम के दौरान छात्र नेता ने सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद खुद अखिलेश ने नेता को फटकार लगाते हुए माफी मांगी। योगी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का विलय के गठन पर विचार करेगी, इसके लिए सरकार ने शासन से प्रस्ताव भी मांगा है। वहीं सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के विलय को लेकर सपा नेता आजम खान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का लेवल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। राजधानी लखनऊ में अमेरिकी निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से व्यापार को लेकर मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अमेरिकी निवेशक यूपी में व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इससे यूपी का विकास होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के कार्यक्रम को देखते हुए साफ सफाई की गई। इस दौरान एक्सप्रेसवे की 100 टैंकर पानी से धुलाई भी की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मंगलवार को एयरफोर्स के फाइटर प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ करेगा। इसमें जगुआर, सुखोई और मिराज फाइटर प्लेन हिस्सा लेंगे। एक्सप्रेसवे पर होने वाले इस सबसे बड़े एयर शो में लगभग 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और लगभग 50,000 लोग इसे देखने आएंगे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही 5,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर देश में सिर्फ दंगा करवाया है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में तैनात सिपाहियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां कुछ सिपाहियों ने खुलेआम स्थानीय लोगों पर फायरिंग की है। इलाहाबाद में बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में एक 50,000 के इनामी बदमाश फुरकान को मार गिराया है। मऊ में एक स्कूल की प्रिंसिपल ने 10वीं कक्षा की छात्रा को जाति सूचक शब्द बोलते हुए परीक्षा में बैठने से मना कर दिया, जिसके कारण छात्रा की परीक्षा छूट गई। इलाहाबाद में पिछले दिनों हुई बसपा नेता राजेश यादव की हत्या का खुलासा करते हुए इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर में जुलूस के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक गोली लगने से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।